नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। यहाँ पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए दोपहिया चार पहिया वाहनों पर की चालानी कार्रवाई। आगे बात होगी महाराजगंज की, जहाँ ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री से संबंधित बकाया धनराशि का भुगतान न किए जाने के विरोध में निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चढ़ गया दुकानदार। साथ ही आगे चर्चा करेंगे मुजफ्फरपुर की। यहाँ मुजफ्फरपुर स्टेशन पर पुलिस ने गांजा किया बरामद। तमाम खबरों पर विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। एमसीबी जिले में पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए थाना स्तर पर दोपहिया चार पहिया वाहन चालकों को रोककर चालानी कार्यवाही की। इसी तारतम्य में पूनी पुलिस द्वारा दीनदयाल उपाध्याय चौक में चेकिंग अभियान चलाया। थाना प्रभारी उपनिरीक्षक गंगा साय पैकरा द्वारा बिना हेलमेट व बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने वालों को कतार में खड़ा कर समझाइश दी व हेलमेट और सीट बेल्ट के फायदे बताए। थाना प्रभारी उपनिरीक्षक गंगा साय पैकरा ने कहा कि आज आप लोगों को समझाइश दी जा रही है व दोबारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। छत्तीसगढ़ से सीनियर संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। ब्रजमनगंज के महुलानी में पेयजल आपूर्ति के लिए ओवरहेड टैंक का निर्माण कराया जा रहा है। मंगलवार को ठेकेदार द्वारा निर्माण सामग्री से संबंधित बकाया धनराशि का भुगतान न किए जाने के विरोध में एक दुकानदार निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चढ़ गया। महुलानी ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन के तहत मिश्रौली निवासी ठेकेदार रामविलास यादव की देखरेख में पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। मिश्रौली निवासी राकेश की बिल्डिंग मटेरियल की दुकान है। ठेकेदार ने वहां से निर्माण सामग्री उधार ली थी। जब बार बार बकाया रकम के भुगतान के लिए कहने पर भी ठेकेदार ने भुगतान नहीं किया तो वह भड़क गया। दुकानदार निर्माणाधीन पानी की टंकी पर चढ़ गया और भुगतान न होने पर कूदने की धमकी देने लगा। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्राम प्रधान की मौजूदगी में ठेकेदार से बकाया रकम 1,65,000 रुपये में से 95,000 रुपये ऑनलाइन खाते में भिजवा दिए। शेष रकम के भुगतान के लिए 2 दिन का समय मांगा गया और इसके बाद वह खुद को दुकानदार समझकर टंकी से नीचे उतर आया। थानाध्यक्ष ने कहा कि वह मान गया। श्याम सुंदर तिवारी ने बताया कि ठेकेदार द्वारा बकाया रकम में से कुछ रकम दुकानदार को दे दी गई है। कहा गया कि शेष रकम जल्द ही दे दी जाएगी। महाराजगंज से सीनू संवाददाता इरफान अहमद की रिपोर्ट। बंद्रा अंचल में कर्मियों की मनमानी करने का मामला सामने आया है, जहां फरियादी सुशील सहनी दाखिल खारिज से जुड़े हुए कागजातों को लेकर पहुंचे। उन्होंने बताया कि विपक्षी के नाम से दाखिल खारिज उनके द्वारा आपत्ति करने के बावजूद भी कर दी गई है। इस मामले को लेकर वे दौड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि वह जनवरी महीने से लगातार अंचल कार्यालय दौड़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अंचल से हलका तक खुलेआम बिचौलिया हावी हैं। मनमानी इतनी है कि किसी भी मामलों में सही गलत और आपत्ति मायने नहीं रखती। मनमाफिक दाम जैसे ही मिलता है कि हलका में बैठने वाले राजस्व कर्मचारी एवं उनके अटर्नी मुश्किल काम को भी आसान कर देते हैं। यह स्थिति करीबन सभी क्षेत्रों में है। इसके विरोध में वे अंचल कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। वहीं संबंध में बंद्रा सीओ अंकुर राय ने कॉल पर बताया कि प्रभार लेने के पहले के समयों के ज़्यादातर मामले हैं। उन्होंने आने के बाद पिछले 1.5 महीने में तकरीबन 650 मामले दाखिल खारिज के निपटाए हैं। दाखिल खारिज खारिज के लिए हुए दिए हुए थे और 2017 में मेरा इसमें से 46 डिसमिल जमीन दाखिल खारिज भेल है और आवेदन देने के बावजूद भी पुनः इसको कर दिया गया है दाखिल खारिज अगेंस्ट पार्टी को 92 डिसमिल। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? सुशील साहनी। ये कहाँ का मामला है? नूनफारा का। नूनफारा कितना दिन से दौड़ रहे हैं? दीपक जी। कितना दिन से दौड़ रहे हैं? ये मोटा मोटी हम 3-4 महीना से दौड़ रहे हैं। 3-4 महीने से आवेदन दे के। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। संथाल परगना की सभी 3 सीटों दुमका, गोड्डा एवं राजमहल पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। उक्त बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक सह स्टार प्रचारक स्टीफन मरांडी ने संवाददाता सम्मेलन में कही। पाकुड़ में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए झामुमो के स्टार प्रचारक स्टीफन मरांडी ने कहा, चुनाव के वक्त भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ का मुद्दा उठाकर लोगों के सेंटिमेंट को भड़काने का काम करती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वोटिंग राइट खत्म करने का मंसूबा पाले हुए है, लेकिन उसके ख्वाब देश की जनता पूरे नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ रहा है और संथाल की सभी 3 सीटें भी जीत रहा है। आज हमारे हेमंत सोरेन के अंदर जाने से
जो लोगों में आक्रोश व्याप्त है और जो कल्पना सोरेन की मीटिंग में जितनी भीड़ हो रही है, शायद हेमंत सोरेन के मीटिंग में भी ऐसा नहीं होता। कोई संरचना नहीं, वो अपना हिसाब किताब कर ले भाई, कौन सर्वे कर ले, कौन है बांग्लादेशी, कौन है अंतर्देशी, अपना देख ले, इसके बाद अपना जो उनको कार्रवाई करना है घुसपैठी का, या पार्लियामेंट में उठे, विधानसभा में उठे, कार्रवाई हो जाए, सर्वे हो जाए, किन किन एरिया में घुसपैठियाँ हो रही हैं, चुनाव में घुसपैठी दिख रहा है, बाकी समय में घुसपैठी नहीं दिख रहा है। तानाशाही रवैया जो है, आक्रमणात्मक नीति जो आज दिख रहा है, और यहाँ पर कितने MLA और मंत्रियों को भी समन जारी करने जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों से ऐसा लग रहा है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए ये अखबार में भी आ रहा है। हमारे हफीजुल और क्या बोलते हैं बादल, उन लोगों को भी समन दिया है। ये सिर्फ उन लोग के जितने कार्य वहाँ पर हो रहे हैं और चुनाव प्रचार में उनकी भागीदारी और प्रभावपूर्ण तरीके से वहाँ जो काम कर रहे हैं, इसको दबाने का ही एकमात्र उनका ध्येय है, उद्देश्य है। लगा दे, देखिए हम लोग तो कह रहे हैं जनता को कि 400 पार मैंने संविधान को बदलना, पब्लिक का रिस्पॉन्स है और जो उत्साह है उससे हमको लगता है कि तीनों सीट पर इंडिया गठबंधन का स्थिति बहुत ही मजबूत है। अब तो 1 तारीख के बाद ही बता सकते हैं कि क्या रिजल्ट होगा, लेकिन आज तक का अनुभव में हमने देखा है, हमने इंदिरा वेव को भी देखा है, मोदी वेव को भी देखा है, सारे वेव को टपते हुए इस बार का वेव जो है ना इंडिया गठबंधन का संताल पन्ना के तीनों सीटों पर दिख रहा है। देखिए घुसपैठ का तो लोग चुनावे पर उठाता है और सिर्फ एक सेंटिमेंट भड़काने का काम कर रहा है, लेकिन उससे हमको नहीं लगता है कि कोई फर्क हमारे वोटरों पर पड़ेगा और वोटरों को प्रभावित करेगा। दादा देखिए 4 तारीख का इंतजार क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग बताएंगे। उन्होंने तो शुरू कर ही दिया है सारा चीज़, ये चुनाव के वक्त में ये सारा ED का ये एक्शन जो है, ये एक्शन पहले भी हो सकता था, बाद में भी हो सकता था, लेकिन सिर्फ चुनावी प्रचार को प्रभावित करने के लिए सारे हथकंडे उन्होंने अपनाया है, लेकिन इससे आक्रोश ही बढ़ा है, हमारा चुनाव में इजाफा ही हुआ है हमारे मत में, ये हम कहेंगे। आज हमारे हेमंत सोरेन के अंदर जाने से जो लोगों में आक्रोश व्याप्त है और जो कल्पना सोरेन की मीटिंग में जितनी भीड़ हो रही है, शायद हेमंत सोरेन के मीटिंग में भी ऐसा नहीं होता। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रेल स्टेशन मुजफ्फरपुर के प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर न्यू FOB के नीचे अवस्थित यात्री प्रतीक्षालय में 2 बैग लावारिस अवस्था में पड़े मिले। रेलवे पुलिस ने दोनों बैग के अंदर ब्राउन कलर के टेप में लपेटा हुआ छोटा छोटा कुल 14 पैकेट में गांजा बरामद किया है, जिसका वजन लगभग 15.4 किलोग्राम है। GRP मुजफ्फरपुर ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की है। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।